श्री विजय रूपाणी जी, डॉक्टर भरत भाई, इस कार्य के लिए विशेष रूप से पधारे हुए बाहर के सभी मेहमान भाई और बहनों, गुजरात के विकास की चर्चा यह दुनिया में सर्वदूर हो रही है, लेकिन विकास में हम लोगों ने होलिस्टिक अप्रोच लिया हुआ है और हम सिर्फ वर्तमान का नहीं भविष्य का भी सोच करके गुजरात की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात एनर्जी सरप्लस स्टेट है। जिस समय हम सोलार एनर्जी की पॉलिसी लेके आए थे, हम 2000 मेगावाट सरप्लस थे और लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके पास तो बिजली है, आप ये क्यों करना चाहते हैं, इतना खर्च क्यों उठा रहे हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त हमको घाटा होने वाला था। और तब मैंने लोगों से कहा था कि हमें भावी पीढ़ी के लिए अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा और वो अगर हमें बदलना है तो किसी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। अरे आउट ऑफ कन्विक्शन हमने रास्ता चुना है, एज आर्टिकल ऑफ फेथ, क्योंकि हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएं। गुजरात में एनर्जी के क्षेत्र में जितने भी उपयुक्त रास्ते हैं, सब रास्तों को प्रयोग में लाया है। और आज जब हम विंड एनर्जी के क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं, 2002 तक गुजरात में विंड एनर्जी में हम 51 मेगावाट थे और पिछले 5-7 वर्ष के लगातार प्रयत्न का परिणाम है कि आज हम 3000 मेगावाट पर पहुंचे और हम 10,000 मेगावाट के पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में हमारे जब कल्पसर योजना बनेगी तब तो शायद हम दुनिया के सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक अपना लोहा मनवा लेंगे। गुजरात ने सोलार एनर्जी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और सोलार एनर्जी में पूरे देश में 150 मेगावाट तक अब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, गुजरात ने 600 मेगावाट डेडिकेट कर दिया है। गुजरात ने एक नया इनोवेशन जो किया है वो शायद दुनिया में बहुत बड़ा चर्चा का और आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमने कैनाल पर सोलार पैनल लगाने का ये प्रयोग किया है। 1 मेगावाट बिजली के लिए 1 किलोमीटर लंबी कैनाल की जरूरत पड़ती है और हमने जो पहला हमारा इंस्टॉलमेंट किया है 750 मीटर पर 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। जमीन बच गई और एक अतिरिक्त फायदा हुआ है कि 1 किलोमीटर कैनाल पर जब ये उस पर एक डंकल लग जाएगा, इन्हें में आज से किसी ने पहले पूछा होगा भाई क्या तालाब पे डंकल लग सकता है क्या, तो कोई कहेगा यार आप तो मूर्ख हो, क्या तालाब पे डंकल लगाया जाता है क्या, लोग कुएं पर डंकल नहीं लगाने के लिए सोचते हैं, हम लोग कैनाल पे डंकल लगा रहे हैं और सोलार पैनल का डंकल लगा रहे हैं और उसके कारण जो इवेपोरेशन होता है 1 किलोमीटर कैनाल पर 1 साल में 1 करोड़ लीटर पानी इवेपोरेट होने से बचने वाला है, बाष्पीभवन होने से
एक करोड़ लीटर पानी बचेगा। और गुजरात भाग्यवान है कि उसके पास दुनिया की सबसे लंबी कैनाल नेटवर्क है। वी हैव ए लॉन्गेस्ट कैनाल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब उसका हम उपयोग करेंगे और इससे फायदा क्या होगा? जमीन बचेगी, पानी बचेगा, बिजली मिलेगी और कैनाल गांव के निकट से गुजरती है और उसके कारण ट्रांसमिशन लॉस भी बच जाएगा। एक इनोवेशन से कितने परिवर्तन लाए जा सकते हैं, कितने लाभ हो सकते हैं, इसका आपने उदाहरण दे। और एक अच्छा और परिणाम जो हमें मिला है कि जमीन पर अगर सोलार पैनल लगाते हैं तो उस गिवन सिचुएशन में उस सोलार पैनल की बिजली पैदा करने की ताकत से नीचे पानी बहता हो, ठंडा माहौल हो और उस पर अगर जब सोलर पैनल लगती है तो हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले एक महीने का 60% बिजली ज्यादा उत्पादन करता है कैनाल नेटवर्क को, यानी 16% सीधा सीधा प्रॉफिट इससे मिलने वाला है। यहां खेडूत भाइयों बैठा है, अपने घड़ी बार कहते बिजली लंगड़ी आवे ड्रिपिंग थाय अने मोटरो बढ़ी जाए, ट्रांसफॉर्मर बढ़ी जाए, एनु कारण शु? तो भूतकाळनी सरकारोए बधी ज वीजळी पैदा करवानु काम मात्र ने मात्र दक्षिण गुजरात में कर्युं। गुजरात ना बीजा कोई भाग में वीजळी पैदा नहोती थई अने त्यांथी वीजळी अहीं आवता सुधी में एनी हालत खराब थई जती हती। आपणे नक्की कर्युं के ठेर ठेर वीजळी पैदा करीए जेथी करीने खेडूतोने पूरती वीजळी मळे अने ड्रिपिंग न थाय, एनी मोटरो न बळे। बीजू काम आपड़ू सबस्टेशन लगावानू कर्युं। भूतकाळ में कांग्रेस की जयरे सरकारो हती त्यारे वर्षे 15 सबस्टेशन बनता था, 15। आपड़ी सरकार दर वर्षे 150 सबस्टेशन बनावे छे। कारण आ जो मार्केट की सुविधा न हो तो वीजळी जेटला प्रमाण में ज्यां पहोंचवी जोईए त्यां न पहोंचे। अने एक काम मोटू माळखाकीय सुविधा आपणे करी रह्या छे अने वीजळी उत्पादन में आजे कदाच घणा लोकोने लागतुं हशे, केटलाक लोको राजकीय लाभ खाटवा माटे जात जातना गबगोळा चलावता हशे, गोचरोनी जमीन ने ढीकणोने फलाणू, पण आ बुद्धिमान लोकोने खबर नथी कि आ गुजरात में ए लोको ज्यारे राज करता था अने जेटलू दूध उत्पादन थतुं हतुं एना करता अत्यारे 65% दूधना उत्पादन में वधारो थयो छे। जो गोचरो ना होत तो आ दूध उत्पादन थयुं क्यांथी होत भाई? पण एवा जूठाणा चलावाना, एवा गबगोळा चलावाना, प्रजाने मूर्ख बनावानुं काम करवानुं आ ज प्रवृत्ति चाल्या करे छे। आ सच्चाई छे कि आ 10 वर्षमां 65% दूधना उत्पादनमां उमेरो थयो छे अने आवक सीधे सीधी पशुपालन घर में खेडूत घर में गई है। भाई बहनों वीन एनर्जी में जो नवा संशोधन थी रहा है एनो केटलो लाभ थवानो छे तमे अंदाज करी शको छो। भविष्य में आ विंड मिल एवा प्रकार की आवानी छे अने कदाच 12 महीना अंदर आवी जशे कि ज्यां पण आ विंड मिल लागी हशे तो ये जे हवा में भेज होय छे ए भेज शोषवानुं काम करे छे अने हवा में थी भेज शोषीने एने पानी में रूपांतरित करीने 10,000 लीटर पानी रोज आ एक विंडमिल आपशे। पीवा माटेनुं पानी गामो गाम विंडमिल लगाओ तो वीजळी पण मळे अने पीवानुं शुद्ध पानी पण मळे, ए प्रयोगो पण भविष्यमां गुजरातनी धरती पर थशे। एक सर्वांगीण विकासने लईने आ राज्य काम करी रह्युं छे। टेक्नोलॉजी जे रीते एडवांस थती जाय छे, डेवलप थती जाय छे, एने जेटलू वधारे बल आपी शकाय एटलू बल आपणे आपी रह्या छे अने एना द्वारा गुजरातने विकासनी यात्रामां एनवायरमेंट फ्रेंडली होलिस्टिक एप्रोच अने फ्यूचर जनरेशननी चिंता करवाना काम साथे आ राज्य आगळ वधी रह्युं छे। भाई सुमंत सिन्हाने एमनो आ पहेलो साहस छे अने साहसमां एमनी शुभ शरूआत थई रही छे, त्यारे अंतकरणपूर्वक एमने एमना परिवारजनों ने
खूब खूब शुभकामनाओं पाठू छू कि पोताना साहस में वधु ने वधु सफलता प्राप्त करे, अनेक नवा क्षेत्रों में पदार्पण करे। अने तुलसी भाई तो अपना घरना छे, एमने मिशन तरीका काम लीधु छे, एमने खूब खूब सफलता मळे। धन्यवाद।